धरती होगी। ये कोई एक दो तीन घटनाएं नहीं है, ये घटनाएं आम घटनाएं हैं और ये सारे रेस्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलती है। दिल्ली में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, मुंबई में, पुणे में, बेंगलोर में, मैंगलोर में, छोटा सा अमरावती है वहां पर भी 70 बच्चे नॉर्थ ईस्ट के, वो भी इन समस्याओं से जूझते हैं। क्यों आते हैं यहां पर? अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखा, 8 राज्यों में से अभी तक 6 राज्य ऐसे हैं कि जहां पर रेलवे नहीं पहुंची है। अंग्रेजों ने जो रेलवे लाइन डालना शुरू किया वो रेलवे लाइन आज तक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है अरुणाचल प्रदेश की दिशा में। ये 8 राज्य ऐसे हैं कि जिसके अंदर कुल मिलाकर 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, 6 मेडिकल कॉलेजेस है, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर अंडर कंस्ट्रक्शन है पहला, मतलब नॉर्थ ईस्ट से किसी भी बेटे को अगर आर्किटेक्ट बनना है तो उसको नॉर्थ ईस्ट में उसकी व्यवस्था नहीं है, उसको रेस्ट ऑफ इंडिया में आना पड़ेगा। ऊपर से चाइना है, बड़ी गंभीर समस्या है, हम सब लोगों ने जल्दी जाग जाना चाहिए। वो तो 1962 में एक बार आक्रमण किया, विश्व के रंगमंच पर अमेरिका का कुछ प्रभाव था उस समय, और उस समय अमेरिका के मदद से हम लोगों को चाइना से जो है हमने अपना पिंड छुड़ा लिया था। लेकिन तभी से लेकर आज तक चाइना के मैप के ऊपर अरुणाचल प्रदेश को चीन में दिखाया जाता है ये बताकर कि ये इंडिया ऑक्यूपाइड चाइना है, भारत व्याप्त चीन है। तो चीन के बच्चे तो बचपन से यही देखकर बड़े हो रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया में है वो तो जबरदस्ती लिया, वो हमारा है, तो वो तो स्वप्न लेकर बड़े हो रहे कि हम इसको वापस ले लेंगे, गई भूमि वापस लेंगे, ये स्वप्न वो लोग देख रहे, झूठा स्वप्न देख रहे। कोई संबंध नहीं है अरुणाचल प्रदेश का चीन के साथ। स्वयं दलाई लामा जी ने जो अपना आत्मचरित्र लिखा है उसमें उन्होंने यह बताया है कि तिब्बत की भाषा, संस्कृति, लोग, रहन सहन, खान पान, किसी भी चीज में चीन के लोगों से हम मिलते जुलते नहीं है। ये कहकर दलाई लामा जी कहते हैं कि तिब्बत के बाद में जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्लेम करता है चाइना वो तो एकदम ही गलत है। अगर तिब्बत के लोगों से कोई चाइना का ताल्लुक नहीं है तो अरुणाचल प्रदेश की भाषा, संस्कृति, बाकी सारी चीजों से कोई भी मेल खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दलाई लामा जी ने अपने आत्मचरित्र में बिल्कुल उदाहरणों के साथ स्पष्ट करके बताया हुआ है। लेकिन चीन को क्या है, उसको तो विस्तारवादी है, उसको नॉर्थ ईस्ट चाहिए और वो उसकी तरह से कोशिश कर रहा है। हमने जिसको धुतकार दिया, हमने जिसके पास ध्यान नहीं दिया, हमने जहां सड़कें नहीं बनाई, नीचे जाकर आप ले लीजिए किसी भी दुकान से रोड मैप ऑफ इंडिया और लगाइए अपने घर में और देखिए अरुणाचल प्रदेश की तरफ एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाला रास्ता आपको दिखाई नहीं देगा। एक जिले से दूसरे जिले जाना है, आइए आसाम में उतरिए, 5-6 घंटा आसाम में प्रवास कीजिए, दूसरे रास्ते से चले जाइए। इतनी घनघोर उपेक्षा जिस अरुणाचल प्रदेश की, भारत की 50% बिजली देने की क्षमता अकेले अरुणाचल प्रदेश में है, इतने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का पोटेंशियल वहां पर है। हमारी पूर्व ऊर्जा मंत्री जयवंती बेन बैठी हुई है, कई बार वहां नॉर्थ ईस्ट गई थी जब मंत्री थी, मुझे भी वहां पर मिली थी और वो जानती है सब बातों को कि उन्होंने प्रयत्न भी किया था। लेकिन कुछ भारत की रचनाएं ऐसी बनी हुई है कि योजना बनती है और ठंडे बस्ते में पड़ जाती है। आज तक अरुणाचल प्रदेश अंधेरे में है। तो चीन ने क्या किया, चीन ने बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक रास्ते लाकर खड़े कर दिए, बढ़िया से बढ़िया रास्ते, अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खड़े कर दिए। भूटान और चीन के आगे जो तिब्बत और इंडो तिब्बत, हम तो चीन की बॉर्डर नहीं कहते, वो तो तिब्बत की बॉर्डर है, लेकिन वहां पर उन्होंने सारा डेवलपमेंट लाकर रख दिया और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को बताया अरे तुम तो चीनी हो, तुम क्यों वहां बैठे हो, हिंदुस्तानी बोल रहे हो अपने आप को, क्या फायदा हुआ है तुम्हारा भारत में रहकर, देखो हमारे पास आ जाओ, हम तुमको एडमिशंस देंगे, तुमको यहां आने के लिए वीसा की भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम तो चीनी हो, फिर वीसा की क्या जरूरत है, हम तुमको पासपोर्ट इश्यू करेंगे, इंडिया के पास तुम वीसा मांगो। इतना होने के बावजूद जिनको हमने धुतकार दिया, जिनकी उपेक्षा की और जिसको चाइना ललचाकर बुला रहा है, आपको सुनकर आश्चर्य और आनंद होगा कि अरुणाचल प्रदेश के लोग आज भी कहते हैं हम चीनी नहीं है,